आज से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह शुरू हो रहा है और इस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार संसद के अंदर बहस का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आज ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर सीरियल अटैक बोल दिया है, चुन चुन कर आरोपों की झड़ी लगाई, कहा कि विपक्ष विकास करने के विरोध की राजनीति करते हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी आड़े हाथों लिया। वहीं विपक्ष मांग ये कर रहा है कि प्रधानमंत्री महंगाई पर बोलें, मणिपुर पर बोलें, बेरोजगारी पर बोलें, इस पर जवाब क्यों नहीं देते। हम पूरे देश में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। विपक्ष पर इल्जामों के इतने धारदार हमले के साथ साथ प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी अपने रडार पर ले लिया। महात्मा गांधी के क्विट इंडिया आंदोलन का आधुनिक संस्करण अपने अंदाज में पेश किया। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टिकरण इंडिया छोड़ो। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तेवर और आक्रामक होंगे, क्योंकि न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी बल्कि राज्यसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को भी पेश किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में पीएम मोदी को भी बोलना है और उससे पहले ही वो विपक्ष पर हमले को धार दे रहे हैं। हालांकि विरोधी बार बार पूछ रहे हैं कि सत्ता के प्रधान महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मुंह से किसानों की कोई बात नहीं निकलती है, उनसे जो बेरोजगार युवा हैं उनके बारे में बात नहीं निकलती है। स्मारक बना लीजिए, बिल्कुल हम लोग सब उसको वेलकम करते हैं, पर साथ ही साथ जन की बात जो जी रहे हैं उनकी तो बात करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2014 का जो आपके सारे मुद्दे थे उन सारे मुद्दों पे तो बात हो जाए, मन की बात करने लग गए हैं, जन की बात सुन नहीं रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है, तैयारी दोनों ओर से शुरू हो चुकी है, सत्ता और विपक्ष की रणनीति तय हो रही है, उसी क्रम वार पलटवार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी का आज विपक्ष पर हमलावर होना उसी की एक कड़ी है, जिसका विस्तार अगले सप्ताह संसद में भी दिखाई देने वाला है। आज तक